प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम करने जा रहे हैं हमारी सातवीं कक्षा का आठवां अध्याय विजय दिवस। प्यारे बच्चों पहले हम इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे कि विजय दिवस क्या होता है, कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। तो बच्चों आओ एक बार लेसन को रीड करते हैं। हार्दिक बेटा, आधे घंटे तक हमारी ट्रेन चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाली है और वहां केवल 10 मिनट रुकेगी। आप तैयार रहना, हमें जल्दी से उतरना है। खिड़की से बाहर की ओर देखते हुए हार्दिक ने माँ की बात सुनकर हाँ में सिर हिला दिया। माँ उसकी मनोस्थिति समझती थी, इसलिए उन्हा बोली, देखो हार्दिक, अब हम दोनों पूना में अकेले तो नहीं रह सकते थे ना। रही बात आपके स्कूल और मित्रों की, दादाजी ने चंडीगढ़ के बहुत अच्छे स्कूल में आपके दाखिले की बात कर ली है और अच्छे मित्र भी आपके बन ही जाएंगे। 12 वर्षीय हार्दिक माँ की बात चुपचाप सुन रहा था। वह केवल 2 वर्ष का था जब उसके पिता कैप्टन भैरव शुक्ला कारगिल युद्ध में शहीद हो गए थे। तब से वह अपनी माँ के साथ पूना में नाना जी के पास ही रह रहा था। चंडीगढ़ से दादा दादी साल भर में 2-3 बार उसे मिलने आ जाते थे, किंतु वह कभी भी चंडीगढ़ नहीं आया था। अब नाना जी की मृत्यु के बाद हार्दिक और उसके माता जी को दादा दादी जी ने अपने पास रहने के लिए बुला लिया था, लेकिन हार्दिक को पूना शहर, अपना स्कूल और मित्र छोड़ते हुए अच्छा नहीं लग रहा था। चलो बेटा, ट्रेन रुक गई, दादाजी हमें लेने आए होंगे, माँ ने हार्दिक को झकझोरते हुए कहा। ट्रेन से उतरते ही हार्दिक ने दादाजी को विभिन्न मेडलों से सजी वर्दी में कई पुलिसकर्मियों के साथ देखा तो वह हैरान रह गया। उसे ये तो मालूम था कि दादाजी पुलिस विभाग में हैं, पर उनका इतना रौब रुतबा है ये अनुमान नहीं था, क्योंकि दादाजी पूना में तो हमेशा साधारण कपड़ों में एक आम आदमी की तरह ही आते थे। तो प्यारे बच्चों पहले यहाँ तक की कहानी समझ लेते हैं। तो बेटा इस लेसन में हम क्या देखते हैं कि एक 12 वर्ष का लड़का है हार्दिक, जिसके पिता कैप्टन भैरव शुक्ला कारगिल युद्ध में शहीद हो गए थे। उनकी शहीदी के पश्चात हार्दिक और उसकी माँ अपने नाना नानी के पास पूना रहने चले जाते हैं। लेकिन अब क्या हुआ, अब उसके नाना जी की मृत्यु हो गई थी तो वह अब चंडीगढ़ में शिफ्ट हो रहा था अपने दादा दादी के पास। तो जब वह पूना से चंडीगढ़ आ रहा था तो उसे अच्छा नहीं लग रहा था। क्यों? क्योंकि उसे अपना दोस्त, अपना स्कूल, अपने मित्र छोड़ते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। एक बात हमने और देखी कि हार्दिक के दादाजी भी पुलिस विभाग में है, जिन्होंने अपने अच्छे कार्य के बल पर बहुत से मेडल जीते हैं और जिनका चंडीगढ़ शहर में बहुत ही रौब और रुतबा है। वे दादाजी के चरण स्पर्श कर लिपट कर मिला तो पता लगता है कि हार्दिक बहुत ही संस्कारी लड़का है। तो सबसे पहले उसने अपने दादाजी के चरण छुए और उन्हें बहुत ही अच्छे से मिला। पुलिस कर्मियों ने उनका सामान उठाकर गाड़ी में रखा। उनकी गाड़ी अब घर की ओर जा रही थी। रास्ते में चौराहों पर, बेटा चौराहा क्या होता है, जहां पर 4 रास्ते आपस में मिलते हैं, पर खड़े पुलिस वाले उनकी गाड़ी को देखकर सल्यूट मारते तो वह यह देखकर अचरज से उछल सा पड़ता। अचरज बेटा हैरानी। घर पहुंचने पर दादी जी से बड़े प्यार से मिला, जिस प्रकार अपने दादाजी से बड़े प्यार से मिला था, दादी से भी बहुत प्यार से मिला। उसे पूरा घर देखने की बड़ी उत्सुकता थी।
वह जल्दी से पूरा घर घूम आया और आकर माँ के कान में धीरे से बोला, माँ दादाजी का घर तो बहुत बड़ा है, कितना बड़ा बगीचा है, गेट पर दो दो पुलिस कर सुरक्षा कर्मी हैं और घर में नौकर चाकर हैं। बेटा दादाजी पुलिस विभाग में SSP हैं। दादाजी ने दो दिन घर पर रहकर हार्दिक के साथ बिताए, हार्दिक अब खुश था। तो बच्चों हमने क्या देखा कि अब जो हार्दिक है वो अपने दादा दादी के पास चंडीगढ़ में आ गया था, बहुत अच्छे से उन्हें मिला और उसकी माँ ने उसे बताया कि उसके दादाजी पुलिस विभाग में SSP हैं। SSP का मतलब है बेटा सीनियर सुपरिंटेंडेंट इन पुलिस। आज दादाजी सुबह सुबह पुलिस वर्दी में तैयार थे। वे अपने ऑफिस जाने से पहले हार्दिक को साथ लेकर स्कूल में उसका दाखिला करवाने गए। प्रिंसिपल के ऑफिस में दादाजी के साथ जाते हुए हार्दिक अपनी पुलिस शान समझ रहा था। दादाजी उसका दाखिला करवाकर चले गए। कक्षा में सभी लड़के उसे अपना मित्र बनाना चाहते थे, लेकिन पूना के संकोची शर्मीले हार्दिक के मन में घमंड अभिमान में ने जगह ले ली थी। इसी प्रवृत्ति ने उसे किसी का मित्र नहीं बनने दिया। उसे स्कूल में आए 2 महीने हो गए थे, हालांकि किसी अध्यापक को उसकी पढ़ाई से शिकायत नहीं थी। पढ़ाई से शिकायत ना होना मतलब वह पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन कक्षा के सभी छात्र उससे तंग थे। उन सब पर हार्दिक का दबदबा था। दबदबा होना बेटा रौब होना, डर होना। कोई जल्दी जल्दी उससे उलझता नहीं था। जो बच्चे उसका रौब मानते वे तो हार्दिक की शरारतों से बचे हुए थे, और जो जरा सा भी उसके सामने सिर उठाते जाने की विरोध जताते वह उनका नुकसान कर देता। एक दिन उसने प्रयास की घड़ी तोड़ दी, तो उसी दिन पलाश की किताब फाड़ दी। अनुराग के बैठने पर डेस्क खींच लिया और वे गिरते गिरते बचा। हार्दिक के दादाजी का शहर में नाम होने के कारण कोई भी विद्यार्थी प्रिंसिपल या किसी अध्यापक को शिकायत नहीं करता था। यहाँ तक के स्कूल की कैंटीन से भी हार्दिक दादाजी के नाम की आड़ में बिना पैसे दिए कुछ ना कुछ खा लेता था। तो बच्चों हमने यहाँ तक देखा कि क्या हुआ, दादाजी का बहुत अच्छा रौब रुतबा होने के कारण बड़ी आसानी से वे स्कूल में उसका दाखिला करवा, लेकिन इसका क्या असर पड़ा कि हार्दिक के मन में जो पहले शर्म थी, संकोच था, उसकी जगह उसके मन में अब अपने दादाजी के पोजीशन का, रुतबे का घमंड अभिमान हो गया। इस घमंड अभिमान से उसने क्या किया, उसने सभी के ऊपर अपना दबदबा बनाना शुरू कर दिया। सभी विद्यार्थियों को, अपने सहपाठियों को तंग करना शुरू कर दिया। तो कुछ बच्चे तो उससे बहुत जल्दी डर जाते थे, कुछ बोलते ही नहीं थे। उसकी जो जातियां होती थी, शरारतें होती थी, उसे चुपचाप सहते थे। लेकिन जो भी बच्चे उसका विरोध करते, उसकी गलतियां उसे बताते, तो वह उनका नुकसान कर देता। जैसे उदाहरण के तौर पर बताया है कि एक दिन उसने रियाज की घड़ी तोड़ दी और प्लाश की किताब फाड़ दी। जब अनुराग बैठने लगा तो उसके पीछे से डेस्क खींच लिया। हार्दिक के दादाजी का शहर में इतना नाम था कि कोई भी विद्यार्थी उसकी शिकायत करने नहीं जाता था। और उसका एक फायदा क्या उठाया उसने अपने दादाजी के रुतबे का, कि उसने स्कूल की कैंटीन से भी फ्री में खाना शुरू कर दिया। तो देखो बच्चों कितनी बुरी बात है। आज जब वे स्कूल से घर पहुंचा तो माँ ने कहा, बेटा तैयार हो जाओ, हमें दादाजी के साथ एक कार्यक्रम में जाना है। हार्दिक दादाजी, दादी जी व माँ के साथ एक स्कूल के बड़े से हाल में पहुंचा। वहां कारगिल के सैनिकों की स्मृति में दादाजी ने अपना रक्तदान करके रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। तो बच्चों हमने क्या देखा कि जैसे ही वो स्कूल से घर लौटा तो वे अपने माँ और दादा दादी के साथ किसी फंक्शन में गया। ये फंक्शन कैसा था,
कुछ ऐसा था कि कारगिल के शहीदों के याद में मनाया जाने वाला कोई फंक्शन था। इसके पश्चात वे दूसरे बड़े से हाल में पहुंचे। यहाँ बहुत से लोग, सैनिक, नेता व पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। यहाँ हर वर्ष की तरह आज भी 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाने वाला था, जिसमें 1999 के कारगिल युद्ध में ऑपरेशन विजय के दौरान जिन 527 सैनिकों ने अपनी शहादत से जीत प्राप्त की थी, उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने और जीत को मनाने का कार्यक्रम था। तो बच्चों, हमने क्या देखा कि हार्दिक अपने दादा दादी और माँ के साथ कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष में मनाए जाने वाले किसी कार्यक्रम में गया था। तो बच्चों, जे कारगिल विजय दिवस हर वर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? सन 1999 में जो भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध हुआ था, उसके ऑपरेशन विजय में हमारे 527 सैनिकों ने अपनी शहादत से जीत प्राप्त की थी, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए ही हर वर्ष यह दिवस मनाया जाता है। तो हार्दिक भी अपनी माँ और दादा दादी के साथ विजय दिवस के कार्यक्रम पर ही गया था। सर हमारा रहे ना रहे, तेरा माथा चमकता रहे, शीर्षक से वहां कारगिल युद्ध के जाबांजों की बहादुरी के कारनामों की तस्वीरें भी लगाई हुई थी। उनमें से कुछ तस्वीरों को देखते हुए हार्दिक माँ से कहता है, माँ ये तो पिताजी की। हाँ बेटा, ये आपके पिताजी की ही तस्वीरें हैं। माँ हमें आज यहाँ क्यों बुलाया गया है? बेटा, इस शहर के शहीद कैप्टन वैभव शुक्ला यानी आपके पिताजी ने अपनी जान देकर कारगिल युद्ध में शत्रुओं के छक्के छुड़ाकर विजय प्राप्त की थी। बेटा, छक्के छुड़ाना मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बुरी तरह हराना। ऐसे बहादुर बेटे के महान पिता की यानी आपके दादाजी को सम्मानित करने के लिए हमें जहां बुलाया गया है, साथ ही इस स्कूल का नामकरण भी आपके पिताजी के नाम पर किया जा रहा है। तो बेटा, हमने क्या देखा कि जो हार्दिक के पिताजी थे, उनको सम्मान देने के लिए, उनकी बहादुरी के कारण उनके दादाजी को सम्मान देने के लिए ही उन्हें वहां पर बुलाया गया था। तो हमें ये भी पता चला कि उसके जो पिताजी थे, वो कारगिल युद्ध में अपने बहादुरी दिखाते हुए शहीद हो गए थे और उनके नाम पर ही स्कूल का उद्घाटन किया जा रहा था। उधर मंच पर कैप्टन वैभव शुक्ला के ऑपरेशन विजय के कारण दौरान दिखाए गए अदम्य साहस, वीरता और पराक्रम के बारे में बताया जा रहा था। साथ ही दादाजी को सम्मानित करने के लिए मंच पर बुलाया जा रहा था। दादाजी के मंच पर पहुंचते ही मंच संचालक ने एसएसपी दादाजी की ईमानदारी व मेहनत की प्रशंसा करनी शुरू कर दी। इन्होंने कभी किसी निरपराधी को सजा नहीं दी। बेटा, निरपराधी जिसने कोई अपराध ना किया हो, तो किसी अपराधी को कभी छोड़ा भी नहीं। अपराधी जो अपराध करता हो, ना ही अभी हम इन्होंने रिश्वत ली है। इस शहर को गर्व है ऐसे पिता और बेटे पर जिन्होंने अपना पूरा जीवन कर्तव्य पथ पर लगा दिया। मंच संचालक की एक बात से तो हार्दिक के कान ही खड़े हो गए। कान खड़े होना बेटा, उत्सुकता से सुनना। अब भविष्य में इनके पोते हार्दिक शुक्ला से उम्मीद है कि वह अपने पिताजी और दादाजी के पदचिन्हों पर चलेगा और इस शहर और देश का नाम रोशन करेगा। जे सुनते ही हार्दिक के शरीर में सिहरन सी पैदा हो गई। सिहरन पैदा होना बेटा, कुछ कंपन सी पैदा होना। उसकी आंखों से आंसू छल छला आए। वह दादाजी, दादी जी वे माँ के साथ बैठा सोचने लगा, पिताजी ने तो अपनी बहादुरी से
दादाजी का सिर ऊंचा किया है, लेकिन मैं स्कूल में दादाजी की आड़ लेकर कैसी बहादुरी दिखा रहा हूँ, इस सबसे तो दादाजी का सिर नीचा हो जाएगा। तो बेटा देखो, एक तो जिस प्रोग्राम में वो गए थे, कार्यक्रम में गए थे, वहां पर उसके पिताजी की बहादुरी के भी किस्से सुनाए गए और उसके दादाजी के बारे में भी बहुत अच्छा बताया गया कि वो कितने ईमानदार हैं, कितने मेहनती हैं और कितने अच्छे से अपनी जो सेवाएं निभा रहे हैं, उन पर पूरे देश को, पूरे शहर को गर्व था। साथ ही साथ मंच संचालक ने हार्दिक के ऊपर भी एक जिम्मेदारी डाल दी थी, उससे भी एक मांग की थी कि वो भी एक उम्मीद जताई थी कि आने वाले भविष्य में वो भी अपने दादाजी और पिताजी की तरह शहर और देश का नाम रोशन करेगा। तो ये सुनते ही हार्दिक को एक घबराहट सी होने लगी, उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे, उसे महसूस हुआ, उसे शर्मिंदगी महसूस होने लगी कि उसके पिताजी और दादाजी तो कितने महान हैं, लेकिन वो जो दादागिरी दिखा रहा है, बच्चों के ऊपर रौब जमा रहा है, वो कोई अच्छी बात नहीं है। उसकी इन हरकतों से तो उसके दादाजी की जो मान इज्जत है उसको चोट लगेगी। हार्दिक एक ओर अपने पिता के बलिदान और दूसरी ओर दादाजी की ईमानदारी के बीच स्वयं को तोल रहा था। वह इन दो आदर्शों में स्वयं को कहीं भी नहीं पा रहा था और खुद को बौना अनुभव कर रहा था। उसका हृदय गलानी और पश्चाताप से भर गया। उसने वहीं बैठे बैठे प्रण किया कि वह कल स्कूल जाकर कक्षा के सभी लड़कों से माफी मांगेगा और उन्हें अपना मित्र बनाएगा, अपनी पॉकेट मनी से कैंटीन वाले का कर्ज चुकाएगा, साथ ही पिताजी व दादाजी के आदर्शों पर चलकर जीवन में कुछ कर दिखलाएगा। इसी दृढ़ निश्चय और विश्वास के साथ वह अगले दिन स्कूल जाने की प्रतीक्षा में था। आज सचमुच ही विजय दिवस के अवसर पर हार्दिक ने अपने घमंड पर विजय प्राप्त कर ली थी। तो बच्चों देखो, कितनी अच्छी प्रेरणा इस लेसन के माध्यम से हमें मिलती है कि हार्दिक ने विजय दिवस के अवसर पर अपने आप पर, अपने मन पर विजय प्राप्त की। उसने अपनी कमियों को ढूंढा, अपने अंदर जो बुराइयां थी उनको पता लगाया, उनका पता लगाया और उन्हें छोड़ने का भी दृढ़ निश्चय किया। तो बेटा, अगर आपसे कभी कोई गलती हो जाए तो अगर आप उसका एहसास करो, उसका पश्चाताप करो, तो आप एक गलती ही नहीं सुधारते बल्कि भविष्य में होने वाली सैकड़ों गलतियों से अपने आप को बचा लेते हो। तो बच्चों, जब भी कोई गलती हो जाए तो उसे ध्यान पूर्वक उसका एनालिसिस करें, उसका विश्लेषण करें कि हमसे क्या गलती हुई, क्यों हुई और उसको सुधारने का प्रयास करें। तो बच्चों आइए बढ़ते हैं इस पाठ के अभ्यास की ओर। तो बच्चों सबसे पहले एक या दो वाक्य वाले प्रश्न कर लेते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है, हार्दिक अपनी माँ के साथ पूना से चंडीगढ़ क्यों जा रहा था? हार्दिक अपनी माँ के साथ पूना से चंडीगढ़ क्यों जा रहा था? तो हमने लेसन के आरंभ में ही पढ़ा था कि हार्दिक अपने नाना के पास पूना रहता था। उनकी मृत्यु के पश्चात वे वहां अकेले थे, इसलिए वो अपने दादा दादी जी के पास चंडीगढ़ जा रहा था। नेक्स्ट प्रश्न है, हार्दिक को चंडीगढ़ जाना अच्छा क्यों नहीं लग रहा था? बेटा, हार्दिक को चंडीगढ़ जाना इसलिए अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि अब उसे अपना शहर पूना, स्कूल तथा मित्र छोड़ने पड़ रहे थे। आगे है बेटा, ट्रेन से उतरते ही दादाजी को देखकर हार्दिक क्यों हैरान हो गया? तो हमने पढ़ा था, ट्रेन से उतरते ही हार्दिक ने दादाजी को विभिन्न मेडलों से सजी वर्दी में कई पुलिस कर्मियों के साथ देखा तो वह हैरान रह गया। वो बेटा वो हैरान क्यों हुआ? क्योंकि इससे पहले उसने कभी भी अपने दादाजी को पुलिस की वर्दी में नहीं देखा था।
बेटा हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा के सभी विद्यार्थी हार्दिक से क्यों तंग रहते थे? बेटा क्यों तंग रहते थे? हार्दिक के घमंडी अभिमानी स्वभाव के कारण वे सबको तंग करता था, जिससे सभी विद्यार्थी परेशान थे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है बेटा, विजय दिवस क्यों मनाया जाता है? बेटा विजय दिवस कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। स्कूल का नाम हार्दिक के पिता के नाम पर क्यों रखा गया? क्योंकि हार्दिक के पिताजी ने कारगिल युद्ध में देश की ओर से लड़ते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। हमारा लास्ट प्रश्न है बेटा, जो छोटा लास्ट प्रश्न है, हार्दिक ग्लानी और पश्चाताप से क्यों भर गया? जब बेटा हार्दिक ने अपनी तुलना अपने दादाजी और अपने पिताजी से की, तो उसे एहसास हुआ कि वह अच्छा नहीं कर रहा है, उसकी आदतें अच्छी नहीं है, तो उसका जो हृदय था वो अपने आप ही ग्लानि और पश्चाताप से भर गया। बेटा आगे हम बड़े प्रश्न देखते हैं, हार्दिक के हृदय में एकाएक परिवर्तन कैसे हो गया? अपने शब्दों में लिखें। हार्दिक जब चंडीगढ़ आया था तो अपने दादाजी के रौब और रुतवे के कारण उसमें घमंड का भाव आ गया था, लेकिन जब वह विजय दिवस कार्यक्रम में पहुंचा और वहां अपने शहीद पिता कैप्टन शुक्ला की बहादुरी तथा अपने दादाजी की कर्तव्य प्रायणता, ईमानदारी और मेहनत की प्रशंसा सुनी, तो उसके दिल में एक हलचल सी होने लगी। यह हलचल तब और अधिक बढ़ गई जब मंच संचालक ने कहा कि अब भविष्य में इनके पोते हार्दिक शुक्ला से उम्मीद है कि वे अपने पिताजी और दादाजी के पदचिन्हों पर चलेगा और इस शहर और नाम देश का नाम रोशन करेगा। यह बात सुनकर हार्दिक में एकाएक परिवर्तन हो गया। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है बेटा, विजय दिवस पाठ के नाम की सार्थकता पर प्रकाश डालें। यानी कि हमने ये बताना है कि ये जो पाठ का नाम रखा गया है विजय दिवस, ये ठीक है या नहीं है। विजय दिवस पाठ शीर्षक से हम पूर्ण रूप से सहमत हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, जब भी हमने देखा कि हार्दिक ने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली, तो इस लेसन का जो नाम है विजय दिवस, ये सार्थक सिद्ध हो जाता है। आज के युग में लोभ मोह आदि को प्रधान शक्ति मानना ठीक नहीं है। समाज में अभी भी सच्चाई, ईमानदारी, त्याग, बलिदान तथा सेवा भाव समाप्त नहीं हुई है। कैप्टन शुक्ला और उनके पिताजी इसका जीता जागता उदाहरण है। कैप्टन शुक्ला ने अपने अमर बलिदान से जहां कारगिल युद्ध विजय कर हमें विजय दिवस मनाने का अवसर दिया, वहीं हार्दिक के दिल में भी विजय की एक झनकार बजी, जिसने उसके जीवन को ही बदल दिया। अतः विजय दिवस शीर्षक सर्वथा उचित एवं सार्थक है। हमारा नेक्स्ट अभ्यास है बेटा, मुहावरों को वाक्य में प्रयोग करें। तो हमारा पहला ही मुहावरा है छक्के छुड़ाना। आपकी सुविधा के लिए मैंने पाठ्य पुस्तक के ऊपर ही इसके उत्तर लिख दिए हैं। अगर आप इन्हें लिखना चाहें तो बड़े आराम से पॉज करके लिख सकते हो। छक्के छुड़ाना, हरा देना, बुरी तरह हराना। भारतीय सेना ने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। हमारा नेक्स्ट मुहावरा है जान देना। जान देना यानी कि कुर्बान होना, बलिदान देना। आजादी के लिए अनेक देशभक्तों ने अपनी जान दी या दे दी। सिर ऊंचा करना, कीर्ति बढ़ाना, मान बढ़ाना। हमें अच्छे कार्यों से देश का सिर ऊंचा करना चाहिए। कान खड़े होना, जब हम किसी बात को बहुत उत्सुकता से सुनते हैं। सुनने को आतुर होना, नेताजी का भाषण सुनने के लिए सभी के कान खड़े हो गए। आगे है बेटा नाम रोशन करना, सम्मान बढ़ाना, कीर्ति बढ़ाना, जश बढ़ाना। हमें माँ बाप का नाम
रोशन करना चाहिए। सिर उठाना विरोध करना, भारतीय सैनिक दुश्मन को सिर नहीं उठाने देंगे, इसका अभी 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 हाल ही में उदाहरण देखने को मिला, जब चीन वालों ने घुसपैठ करने की कोशिश की, सिर उठाने की कोशिश की, तो भारतीय सैनिकों ने उसका डटकर मुकाबला किया। दबदबा होना, दहशत होना, रौब होना, डाकू खड़क सिंह का पूरे इलाके में दबदबा था। आगे बेटा विपरीत शब्द लिखें। मैंने पीछे लेसन में भी आपको बताया विपरीत शब्द का अर्थ होता है उल्टे अर्थ वाले शब्द। साधारण का विपरीत शब्द आएगा विशेष या विशिष्ट, विश्वास का अविश्वास, मित्र यानी कि दोस्त, शत्रु। जीवन का आएगा बेटा मृत्यु या मौत भी लिख सकते हो, विजय पराजय, प्रशंसा निंदा। और अपराधी का बेटा इसी पाठ में साथ ही था एक लाइन में, अपराधी का आएगा बेटा निरअपराधी। हमारा नेक्स्ट अभ्यास है बेटा पर्यायवाची शब्द लिखें। मैंने आपको पिछले लेसन में भी बताया पर्यायवाची शब्द होते हैं समान अर्थ वाले शब्द। युद्ध का समान अर्थ का आएगा बेटा लड़ाई संघर्ष। कपड़ा का आएगा बेटा वस्त्र पट वसन भी लिख सकते हो। कान का बेटा अभी मुझे एक ही पता चला है करण। बगीचा का आएगा बेटा बाग वाटिका। दिन का आएगा बेटा वार दिवस। घर का आएगा गृह सदन। माँ का है माता जननी। चरण का बेटा आएगा पद पांव। हमारा नेक्स्ट अभ्यास है बेटा भाववाचक संज्ञा बनाएं। भाववाचक संज्ञा बनाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाववाचक संज्ञा होती क्या है। बेटा जो शब्द हमारे मन के भावों को प्रकट करें, जिन्हें हम ना देख सकें ना छू सकें केवल महसूस कर सकें, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसका कोई चित्र नहीं बन सकता। तो आप ध्यान से देखिए वीर में ऐसी कौन सी चीज होगी जिसे हम केवल महसूस कर सकें, वीरता। लड़के में क्या होगा जिसका चित्र नहीं बन सकता, लड़के का तो बनेगा लेकिन उसके लड़कपन का कोई चित्र नहीं बनेगा। इसी प्रकार महान व्यक्तियों के तो हम कितने ही चित्र ढूंढ के ला सकते हैं लेकिन उनकी महानता को केवल महसूस कर सकते हैं। इसी प्रकार बेटा मित्र की मित्रता, ऊंचा से बनेगी बेटा ऊंचाई, अच्छा से बनेगी अच्छाई। नेक्स्ट अभ्यास है बेटा शुद्ध करके लिखें, यानी कि इसमें आपको अशुद्धियां मिलेंगी, आपने उन अशुद्धियों को दूर करना है। चंडीगढ़, चंडीगढ़ को शुद्ध रूप में ऐसे लिखा जाएगा। युद्ध, युद्ध में द आधा लगेगा और ध पूरा लगेगा, ये दो प्रकार से लिखा जा सकता है। द के नीचे हलचिन भी लगा सकते हो और ऐसे द के पैर में भी ध को डाला जा सकता है। तो इससे आपको ये भी पता चलेगा कि जो पैर में डाले जाने वाले अक्षर होते हैं वो पूरे होते हैं, जो पूरे दिखाई पड़ते हैं वो असल में आधे होते हैं। सैल्यूट, इसमें ल आधा डालना है। ऑपरेशन, ऑपरेशन बेटा अंग्रेजी का शब्द है तो इसके ऊपर ये चिन्ह भी डलेगा और जो र है इसमें दो बार लिखा गया है वो एक ही बार आएगा। प्रशंसा, असल में बेटा शब्द प्रशंसा नहीं प्रशंसा होता है, तो जो दोनों स का क्रम जो है वो उल्टा करना है। मालूम, मालूम नहीं होता बेटा मालूम होता है, तो इसमें ल को छोटे उ की जगह बड़े उ की मात्रा लगेगी। ईमानदारी, इसमें ई बड़ी आएगी। प्रण में जो न है वो र के साथ हमेशा ये वाला न लगता है, तो आपको न परिवर्तित करना होगा। बेटा हमारा लास्ट अभ्यास है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखें। देश के लिए प्राण निशावर करना। प्राण निशावर करने का जो प्रक्रिया है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, शहादत या शहीदी। चार रास्तों का समूह बेटा इस पाठ में हमने देखा था, चौराहा जो अपराध न करे निरपराधी,
खून दान करना, रक्तदान। हमने देखा था कि जो हार्दिक के दादाजी थे उन्होंने कैंप का उद्घाटन, विजय दिवस का उद्घाटन रक्तदान शिविर से किया था। संकोच करने वाला बेटा संकोची, हमने देखा हार्दिक पहले कैसे स्वभाव का लड़का था, संकोची। मन की स्थिति, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि उसकी माँ उसकी मनोस्थिति को बहुत अच्छे से समझती थी, तो मन की स्थिति को हम मनोस्थिति लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, मुझे आशा है कि आपको यह पाठ समझ आ गया होगा और आप इसका अभ्यास बड़े अच्छे से कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको यह पाठ समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।